एशियन पेंट्स हैड अ कैटलॉग कमिंग अप. आपको पता है एशियन पेंट्स के टेक्सचर्स कब शुरू हुए थे, कितने साल पहले? ये जो वॉल्स पे टेक्सचर्स करते हैं कब शुरू हुए थे? 2003. मैं उनके टेक्सचर्स डिजाइनिंग में से एक थी क्योंकि मैं तब मीडी की कैटेगरी में. उनको टेक्सचर्स डिजाइंस करने के लिए 2 फीट बाय 3 फीट के लेवल्स के ऊपर टेक्सचर्स डिजाइंस करके और अलग अलग कलर्स भी करने थे. मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मैंने उसके टेक्सचर्स किए. आज भी वो टेक्सचर्स जो हैं कैटलॉग्स में. हम लोग इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि हम अगर हफ्ते में एक दिन एक नई चीज़ को देते हैं तो हमारी अर्निंग यहाँ से यहाँ पहुँचती है और हम अपने शो में अपने आप से खड़े हो सकते हैं. मैं 2 लाख का पीआर देकर और अपनी उस सेकेंडरी कमाई से पीआर खरीद सकती हूँ. ढूंढिए, अब तो इतने रिसोर्सेज हैं. हम जब आए थे, आप जब आए थे, हमें इंटरनेट नहीं आता था, ईमेल नहीं करना आता था. आज तक मेरे उंगलियां कांपती है, ये कैसे कोई नया फोन आ जाते है, मेरी भी मुसीबत होती है, इसको कैसे करना है. बट यू यंग जनरेशन, आपके लिए तो यूट्यूब, टीचर्स क्या सिखाएंगे? यूट्यूब ने सिखा दिया सब कुछ फ्री. इतने टेक्सचर सिखा देता है यूट्यूब, इतना एब्स्ट्रैक्ट सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है. वर्ल्ड ओवर इफ यू ओपन यूट्यूब देर आर ओनली 5 to 6 इंडियन आर्टिस्ट हु आर डूइंग अ यूट्यूब चैनल. And only from the city of California, only from the city of California, you find around 200 artists. हम सीखते उनसे हैं और आके हम यहाँ पर करेंगे. क्योंकि अब मैं ये काम करूँ क्या? मैं अपना डेमो दे देकर सीक्रेट्स बाजार में दिखाऊँ? The sentences you mark, हम अपनी सीक्रेट्स नहीं रिवील करना चाहते. क्या सीक्रेट है? अब कुछ भी सीक्रेट नहीं है. पहले हम रोक कर रखते थे. हम देखेंगे कैंप में जाते हैं, हम देखते थे सीनियर आर्टिस्ट आया, टेबल लगाया, हम देखते थे ये कलर कैसे लगाएगा, ये केरोसिन कैसे छिड़केंगे, ये ब्रश कैसे लगाएंगे, ये कैसे है, व्हाट द हेल. यूट्यूब, फिर हमें आके पता चलता है अच्छा ये जो छापा मारा गया है यहाँ पर हिंदुस्तान वहां से लिया है. द डेज व्हेन आई नेवर हैड द चांस टू बाय कैटलॉग्स. आपको पता है कैटलॉग्स कितने महंगे आते थे? अब तो खैर, नाउ द यंग स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर हैंड. व्हेन यू हैव अ 20,000 फोन इन योर पॉकेट, यू कैन बाय अ 400 रुपीस दिस आल्सो. हमारे लिए 20 रुपए का कैटलॉग खरीदना भी मुश्किल था, जबकि मैं एक बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करती थी. सो अब तो कैटलॉग्स देख कर, जब फॉरन के आप ट्रैवल करो और कैटलॉग्स खरीदो, आप पेरिस की उस गली में चले जाओ जहाँ पर कैटलॉग्स हैं, आप जस्ट रैंडम ऐसे ढूंढ रहे होगे ना, आपको लोग ये भारत वाले ने इसकी कॉपी की, ये इसने इसकी कॉपी की. यू मूव इनटू म्यूजियम मोजाम्बिक इन पेरिस एंड यू सी यार इंडिया में ना शायद ही कोई ओरिजिनल शायद ही कोई. और जिसका ओरिजिनल काम आपको लगता है, बोल तो भाई तू तो नतमस्तक तेरे सामने, इतना तुमने अपनी खोज की है ये सालों की. पर YouTube हमको ये सिखा रहा है, ट्रैवल्स हमको ये सिखा रहे हैं कि नथिंग इज अ सीक्रेट नाउ. पिकासो ने घर की गैसोलीन की बॉटल्स भी पेंट करके एक इंस्टॉलेशन बनाया था चौक में, आज भी पेरिस में लगा हुआ है. लेकिन हम यहाँ के प्रेस्टिजियस आर्टिस्ट को आज अगर मैं बोल दूँ ना, इफ आई एम गोइंग एंड आस्किंग रियाज कोमो कि सर आप मेरे साथ ये वाला काम करोगे कि गैसोलीन के कैंस को पेंट करके हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे, they never will agree to that.